धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तोला जाने ओ भैया, मैं तो तोला जाने ओ भैया, तैया भुया के भगवान। धन धन रे मोरे सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नए नए खोज और प्रयोग हो रहे हैं, उसे जनसामान्य तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही कृषि में जो नए नवाचार और प्रयोग हो रहे हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने में आकाशवाणी सदैव प्रयासरत है। आज से 20 वर्ष पूर्व 15 फरवरी 2004 को कृषि मंत्रालय द्वारा किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि कृषि से संबंधित जानकारियां लैब टू लैंड अर्थात प्रयोगशाला से कृषि विश्वविद्यालयों से कृषकों तक, जनसामान्य तक और तेजी से पहुंचाई जा सके और हमारा देश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त कर सके। और इसी उपलक्ष में प्रतिवर्ष रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि किसान रेडियो के माध्यम से विशेषज्ञों से प्राप्त होने वाली जानकारी और जानकारी प्रदान करने वाले विशेषज्ञों से सीधा संवाद स्थापित हो और क्षेत्र के सफल कृषकों के अनुभवों से भी अन्य कृषक लाभान्वित और प्रेरित हो सकें। किसानवाणी प्रभाग आकाशवाणी रायपुर द्वारा रेडियो किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कृषि विज्ञान केंद्र में 15 फरवरी को किया गया। इसमें सफल कृषक, कृषि में उत्कृष्ट काम करने वाले, कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, कृषि वैज्ञानिक, महिला उद्यमी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉ. अजय वर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं डॉ. गौतम राय, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. गजेंद्र चंद्राकर, नोडल अधिकारी मिलेट्स डॉ. तापस चौधरी, विभागाध्यक्ष सूक्ष्म जीव विज्ञान कार्यक्रम में शामिल हुए और उपयोगी व नवीन जानकारियों से उपस्थित लोगों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मां सरस्वती की प्रतिमा में पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलित कर सम्माननीय अतिथियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर किसानवाणी प्रभाग आकाशवाणी रायपुर के प्रभारी कार्यक्रम अधिशासी श्री शशि प्रकाश पांडे ने सभी अतिथियों, वैज्ञानिकों, कृषकों का स्वागत किया और अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि किस प्रकार किसानवाणी कार्यक्रम से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हम सभी लोग, हमारे अंदर तो एक जन्मजात कृषक है, हम उसे भूल चुके हैं। अगर आप एक गमले में एक पौधा लगाएं, मटर का, एक मटर हो, टमाटर हो, मिर्च हो, तो आपको देख के खुशी होती है। मैं उसका वैल्यू कैलकुलेशन किया हूँ। आप जो गमले में लगाते हैं एक मिर्च का, वो काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा आता है, बशर्ते कि बाजार से खरीद सकें। लेकिन जो सुकून मिलता है आपको देख करके, उसका फूल फल और उसका टेस्ट जो आप लेते हैं, तो शायद वो आपके बाजार के, वो बाजार की जो उत्पादित वस्तुएँ हैं उसमें नहीं होती हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे व्यक्तिगत तौर से हमारे डॉक्टर होते हैं, हमारे दुकानदार होते हैं, हमारे धोबी होते हैं, हमारे नाई होते हैं, तो हम क्यों ना एक किसान को अपनाएं, किसान को एडॉप्ट करें, एक किसान को गोद लें। हम कोशिश करें कि किसान से हमारा तारतम्य लगातार बना रहे, हम उसके पास जाएं और जो उसके उत्पाद होते हैं हम उसे खरीदें और साथ में एक मॉनिटरिंग भी करें, सुपरविजन करें कि किसान अक्सर क्या होता है कि अगर बाजार में किसी कोई रोग लग गया तो जाता है, तो जो एक्सपर्ट बताते हैं कि भाई 2 ml डालना है, तो वहाँ जो दुकानदार बोलता है कि 1 ढक्कन डालना है, अब उसके बाद वो लाके 3 ढक्कन डालता है, तो वो नुकसानदायक है। वेटिंग पीरियड की काफ़ी स्थिति खराब है, मैं देखता हूँ जो सब्जी में कीटनाशकों का जो प्रयोग होता है, और इतनी स्थिति खराब है कि मोनोक्रोटोफॉस का, किसान ऐसा कहते हैं कि ये जो है सब्जियों के लिए पौष्टिकारक है, ये विटामिन है, सब्जियों का विटामिन है, जबकि वो कीटनाशक के तौर पे है और जहरीला है। अभी उसका पीला लेवल मिला है तो लाल वाले लगभग खत्म हो गए हैं। तो हम थोड़ा ध्यान दें तो किसान जो अनजाने में ऐसे काम करते हैं तो उससे भी हम बच सकते हैं और किसानों को भी लाभ होगा। इस अवसर पर डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर,
प्राध्यापक एवं नोडल अधिकारी मिलेट्स ने मिलेट्स और हमारे स्वास्थ्य के संबंध में रोचक जानकारियां दी। हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, पर का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के रूप में हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे का? फूड सिक्योरिटी के अब साथ ही साथ चलना है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब एक 40 साल के एक एरा चलने वाला है, एक दौर चलने वाला है जेमा खाली न्यूट्रिशन आधारित बात होगी। धरती में आप देखे हो कि धीरे धीरे तत्व के कमी होना चालू हो गए, तो जो तत्व ल पौधा ल वही ल फसल के रूप में आए और वो ल हम अनाज के रूप में ग्रहण करें। अब बड़ा ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहे जाए कि जमीन में जिंक के कमी हो गए, तो जमीन में हम जिंक सल्फेट डाले के बात करते हैं। अभी 13 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट है कि 67% इंडियन सॉइल आर डिप्लीट इन कंडीशन, न्यूट्रिएंट डिप्लीट इन कंडीशन। लगभग 16 प्रकार के सबो तत्वों के कमी हो गए हमारे सॉइल में। तो का वो तत्व जब पौधा नहीं ले तो हमारे अनाज में नहीं आए, अनाज में नहीं आए तो हम शरीर में नहीं आए। तो कुल मिला के यहीं पर से बात चालू होते है कि का हम एक विकास की जो यात्रा तैयार करें पिछले 25 साल 50 साल या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, तो बहुत होशियारी से गेहूं हमर फूड चेन में आ गए। गेहूं ला सामान्यतः बड़े आदमी मन के अनाज मानत रहे, पैसा वाला मन के ब्रेड बिस्कुट खवैया पैसा वाला मन ला समझत रहे, तो उनकर बीमारी अलग रहत रही से कि वो मन ला गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज ज्यादा होते जे गेहूं और ओकर प्रोडक्ट ज्यादा लेते बेकरी प्रोडक्ट। जे गरीब आदमी रहे जे मन मोटा अनाज खाए कोदो कुटकी रागी बासी और बोरे और भात ओमला ये बीमारी नहीं होती से। अब ठीक यही चीज एक और एनालिसिस कर सकते हो आप कि अब एक जंग छिड़े फाइबर के, तो फाइबर के कंटेंट के आधार पे निगेटिव अनाज, नकारात्मक अनाज और न्यूट्रल अनाज और पॉजिटिव। तो निगेटिव कौन सा हो गए अब कि चावल और गेहूं जेमा 1% से 0.5% तक फाइबर है वो निगेटिव अनाज हो गए, चावल और गेहूं। अब न्यूट्रल अनाज कौन सा हो गया जेमा 2 से 3% फाइबर है, जैसे मक्का है बाजरा है, ये हो गए न्यूट्रल। अब पॉजिटिव मिलेट जेमा 8 से 10% फाइबर है, वो है कोदो कुटकी रागी कंगनी। बाकी रागी ऐसे फसल है जेमा कैल्शियम है नेचुरल रूप से, बहुत सारा अमाइनो एसिड है जे केवल मिलेट्स में पाए जाते हैं जिन और अनाज में नहीं पाए जाए। तो फाइबर के रोल का है कि हमारे शरीर में जितका टॉक्सिन आते जो अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर में जो जहर के मात्रा आते वो नेचुरली डिटॉक्सीफाई करते फाइबर। तो जो अनाज ल हम लगातार खातन तो ओकर से हमर जो लाइफ स्टाइल डिजीज जन लगत है कि हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज पीसीओडी और बहुत सारा जो हार्मोनल इम्बेलेंस, ये लाइफ स्टाइल जो डिजीज होते हैं ओला रोके के लिए बगैर दवाई की यदि कोई अप्रोच से रोके जा सकते हैं तो वो है मिलेट्स के आधार पे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम राय ने अपने संबोधन में कहा, आज मैं हॉल में देख पा रहा हूँ कि आधे से ज्यादा महिलाओं का भागीदारी है। आज के दिन सन 2004 में किसान वाणी प्रोग्राम जो है आकाशवाणी ने प्रारंभ किया था और उसी दिन को हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसलिए ये दिन बहुत खास है। कृषि विज्ञान से जुड़े हुए, इस केंद्र से जुड़े हुए कई तो हमारे ऐसे किसान हैं जैसे राठौर जी हैं पीपरहट्टा से, कोमल साहू जी हैं निजदा से, निरंजन जांगड़े जी हैं परसदा हमारे पास के गांव से, राधिका साहू जी हैं जो मछली पालन रंगीन मछली पालन करते हैं ये हमारे साथ में है, ओम प्रकाश सेन है, सूर्य प्रकाश चंद्राकर है, मोहन साहू जी हैं, चरण सिंह और गोकुल यादव जी हैं जो पशुपालन क्षेत्र में न केवल डेयरी चलाते हैं जबकि लोगों ने चारा फसलों का भी उत्पादन करते हैं। तो ये बहुत खास है, इनसे जो सवाल जो अग्रणी किसानों से जो सवाल आएगा और उसके जो हम उत्तर देंगे वो केवल हमारा और किसान का इस मौजूद हॉल में जो किसान है उसका न होकर आकाशवाणी के वजह से ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में फैलेगा। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉक्टर अजय वर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, अंबिकापुर सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र। हम एक फसल लेते हैं छत्तीसगढ़ में, एक फसली क्षेत्र जब तक 2 फसली के रूप में नहीं बदलेगा यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी या वाटर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जल की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम और देशों के जो एग्रीकल्चर में एडवांस्ड स्टेट है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में के अलावा देश में, तो उनकी बराबरी में आने के लिए हमको निश्चित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ एक तरीके से मिनरल्स के मामले में अन्य मामलों में पूरी तरह से बहुत ही अच्छा प्रदेश है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो रूरल इकोनॉमी है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी और
प्रदेश में संपन्नता आएगी। जो कार्यक्रम आकाशवाणी की तरफ से किसान वाणी के आज 15 फरवरी में को आयोजित किया गया और हर साल इसे मनाया जाता है, तो एक माध्यम है जिसको कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक कदम मान सकते हैं, जिसके सहायता से हम न केवल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर सकते हैं और एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री लखनलाल भौर्य ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, कोरोना के बाद हम ऐसा आयोजन नहीं कर पाए रहे, कोरोना के पहली मतवारी में करे रहे, ओकर बाद कोरोना आ गए, तो कोरोना आए से हमला लागत रही सी कि वैज्ञानिक और किसान भाई मन के कब आमना सामना होए, कि वैज्ञानिक मन के जो विचार है उनकर जो ज्ञान है किसान मन ला हम कैसे प्रदान करन, काबर की रेडियो के माध्यम से तो लगातार हमन करते चलथन, लेकिन वहाँ एक सीमित एक दिन में एक ही विचार जा, ये मंच के माध्यम से अलग अलग विशेषज्ञ मन के भी विचार होते, चाहे वो कीट वैज्ञानिक हो, चाहे वो पशुपालन के भी हो, चाहे वो योजना भी हो। आज जो है हमन सोच रहे हैं 10-15 विषय के जानकारी एक ही मन से हो जाए और ओकर से किसान मन एक ही जगह जानकारी प्राप्त करके में अधिक से अधिक लाभ कमाए। आने वाले समय में हमारा प्रयास रही एकर से हम अच्छा करबो। पहले हमन ये सोच रहे हैं कि ला गांव में करबो, पंचायत स्तर में हो ही, अधिक से अधिक वहाँ वैज्ञानिक मन ला आमंत्रित करबो और किसान मन अधिक से अधिक वो गांव में आही। अपने विचार व्यक्त करते हुए आप हैं आकाशवाणी रायपुर के केंद्राध्यक्ष और उप महानिदेशक यांत्रिकी श्री वी राजेश्वर। भारत सरकार ने रेडियो को और खेती को बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दे रहा है। इस साल में साइंटिस्ट को भारत रत्न दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन ऐसे साइंटिस्ट है, फॉरेन कंट्री में PhD करता है और इंडिया में आने के बाद में उनको सिविल सर्विसेज ऑफर आता है, मगर उन्होंने सिविल सर्विसेज को जो पावरफुल पोस्ट रहता है इंडिया में उसको भी नकारते हुए फार्मर्स के लिए काम करना है बोल के उन्होंने एक फार्म साइंटिस्ट बन के इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को फादर बना है। हम लोगों को स्वतंत्रता आए थे उस समय अपने को सफिशिएंट फूड नहीं थे, इंपोर्ट करके दूसरे देश से खरीद के खा देते, क्योंकि उस समय अपना वैज्ञानिक उतना डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए ग्रो मोर फूड बोल के एक प्रोग्राम चले थे। वो ग्रो मोर फूड और ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से जो जिसमें MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसके वजह से आज हम लोग फूड में सफिशिएंट के अलावा हम लोग अभी एक्सपोर्ट स्थिति में आया है। एग्रीकल्चर है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, हम देख सकते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आते हैं जाते हैं, मगर जो एग्रीकल्चर है सिविलाइजेशन का, जो ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ है, मगर ये अभी तक एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि ये सर्वाइवल का मैटर है। जो सर्वाइवल टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बिना जो हवा और पानी फ्री में मिल सकता है मगर फूड फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोग मेहनत लगाना पड़ेगा। रेडियो किसान दिवस मनाते हुए उपस्थित सफल कृषकों ने कृषि में किए जा रहे नवाचारों, कृषि उत्पादन के लिए अपनाए जा रहे जैविक खेती के संबंध में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर रंगीन मछली पालन का व्यवसाय करने वाली राधिका साहू ने कहा कि रंगीन मछलियां पालन के द्वारा मैं लोगों के जीवन को रंगीन बनाती हूं। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में आभार व्यक्त किया और इस तरह एक दिवसीय रेडियो किसान दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ।
जग के भूख मिटैया बासी चटनी में तय खुश रही जाथस बासी माँ तय खुश रही जाथस बासी माँ तय खुश रही जाथस झुमरे डारा पान मगन हो जब तय कर मद दरिया गाथस जब तय कर मद दरिया गाथस जब तय कर मद दरिया गाथस कितने आस आवे मोरे मन के आवाओ को रामे तोरे बेटा बन के लेवो जब जब जन्म छत्तीसगढ़िया किसान करो तोर वंदन भुइया के भगवान तोर पैया परन छत्तीसगढ़िया किसान करो तोर वंदन भुइया के भगवान छत्तीसगढ़ी हाथी सान करो तोर वंदन भगवान तोरे पैया